हाफ इंफॉर्मेशन दे के छोड़ दिया। एक छोटा गलती के लिए को फिर कैसे आए। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो कैसे हैं आप सब लोग? तो आज शनिवार है एंड रेक्स चला गया। तो अभी सुबह का टाइम है एंड अभी का मौसम इतना सुहाना है ना, और कितना दिन ही ऐसा मौसम रहता है यहाँ पे, यू नो, अगस्त सितंबर, फिर अक्टूबर से ठंडी स्टार्ट हो जाएगा। एंड यहाँ पे है रेक्स। रेक्स लुक हियर बाबा। हाँ, तो चलिए आप सबको टाइम दिखाते हैं। सो नाउ द टाइम इज 9:10 एंड जल्दी जल्दी अभी मैं ब्रेकफास्ट बनाऊंगी। उसके बाद हम लोग का प्लान है कि अगर सना आई तो, ऐसा सना सैटरडे को नहीं आती है, पर हाँ समटाइम्स व्हेन वी नीड वी कॉल हर, जो मोस्ट ऑफ द टाइम वो आती नहीं है। तो आज मैंने मॉर्निंग में उठ के फर्स्ट मैंने सना को बोला तुम आओगी कि नहीं आओगी, तो वो बोल तो रही है आएगी, जो भी अगर नहीं भी आएगी देन हम लोग सब लोग मिल के ही चले जाएंगे, कि हम लोग को सूटकेस देखना है यार क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, पता नहीं वो सूटकेस हम लोग फेंक के आ रहे थे, वो करते तो ज़्यादा अच्छा होता। एंड इतिहास से इतना ख़राब रिस्पॉन्स यार, आज तक सिर्फ एक ही फ़ोन किया था, वो भी यू नो जस्ट हाफ इंफॉर्मेशन दे के छोड़ दिया, फिर कभी भी आज तक मेल नहीं किया, तो वही हम लोग जे एफ के फोर में जाएंगे। तो चलिए मैं अभी ब्रेकफास्ट बनाती हूँ। सो दिस इज़ द नाइटी मैंने जो आप सबको दिखाया था, बहुत ही लाइक बहुत अच्छा है। जब मैंने बैंगलोर में पहना था ना, आई वॉज फीलिंग लिटिल बिट हॉट, पर तब मुझे लगा था कि नहीं यू नो यहाँ के वेदर के लिए फुल परफेक्ट है। पर अभी ना मैं, अब आप लोग भी देखेंगे, मैं अभी ये सब नाइटी एंड ऑल बहुत ही कम पहनती हूँ, क्योंकि रैक्स को बाहर ले जाना होता है ना, इसलिए द ड्रेस ना जो मैं पहनती हूँ घर में वो मुझे सबसे ज़्यादा कन्वीनियंट लगता है। तो अभी मैं बनाऊँगी जो आप लोग सभी लेते हैं, दैट इज़ कांदा पुआ, बिकॉज बहुत ही ईजी है, जल्दी हो जाता है। एंड कांदा पुआ आप सबको तो बनाना आता ही है, पर हाँ इसमें ना थोड़ा आलू कट करके दे वो भी टेस्टी लगता है, पर पता नहीं ये राय खाएगी कि नहीं। एक्चुअली राय को ना वो सरसों एंड करी लीव्स मिला के एक स्मेल होता है ना, लाइक जो एरोमा, एक्चुअली मुझे ये काफ़ी अच्छा लगता है, पर राय को इतना पसंद नहीं है। तो जो भी हो, आई फेल दिस इज द ईजी ब्रेकफास्ट। एंड चलिए अभी नींबू निचोड़ देते हैं एंड उसके बाद थोड़ा कुथमुरी बोलते हैं ना, यानी कोरिएंडर लीव्स दे देते हैं। तो नाश्ता बन चुका है एंड यहाँ पे अभी मैं चाय बना रही हूँ। तो मैंने राय को बोला है कि शौमिक को बोलो यू नो कि उठ जाए, क्योंकि सना आ रही है, देन इमीडिएटली हम लोग निकल जाएंगे। एंड सिद्ध को भी अगर शौमिक ऊपर में लेके आ जाए तो आई गिव हिम द ब्रेकफास्ट, मैं इसको ब्रेकफास्ट खिला दूंगी, तो शांति। सुबह से ही काफ़ी टेंशन लग रहा है हम दोनों को, एक तो जाओ यू नो दैट इटसेल्फ इज़ अ टास्क एंड पता नहीं मिलेगा कि नहीं, एंड जो भी हो यार अपना ही सामान है, गुम जाए तो किसी को भी अच्छा नहीं लगता है। एंड राय सिद्ध को बर्ड दिखा रही है, लाइक हम लोगों के घर के ऊपर मैंने सब पिलर है वहाँ पे, लाइक बर्ड ने नेस्ट बनाया है एंड वो लोग ने बच्चा भी दिया है। अभी जस्ट नींद से जगा है। मुझे लगता है जब सिद्ध बड़ा होगा राय होगी जो सबसे ज़्यादा सिद्ध को पैम्पर करेगी। एंड सिद्ध को सिर्फ बाहर जाना है, सिर्फ बाहर ऐसा वॉक, ऐसा नहीं स्ट्रॉलर पे नहीं, ऐसा गो ऐसा ऐसा कर करके ना, क्या बोले, गोदी में लेके घूमो, ही सो हैप्पी। तो हमारे टिकट्स ले लिए एंड ये राय का पासपोर्ट है, बिकॉज यू नो वो राय के टिकट के साथ ही अटैच था, बिकॉज दैट इज अ चेक इन लगेज में जो था, तो वो टैग वॉज फॉर राय सूटकेस, जो भी हो। तो जाने में इट विल टेक अराउंड 1 आवर, एक छोटा गलती के लिए यू नो इतना सारा टेंशन हो गया, एंड कोई गारंटी भी नहीं है कि आज जाएंगे विल गेट सक्सेस और नॉट, कोई मेल भेजते देन इट कुड हैव बीन रियली इजी। सैटरडे ना हर वक्त बहुत रश रहता है एंड
पहले एक घंटा बोल रहा था, उसके बाद एक घंटा का थोड़ा ज्यादा लगा। एंड आज का वेदर इतना वियर्ड था ना, लाइक कोई कोई जगह पे ना इतना ज्यादा बारिश हो रहा था एंड कोई कोई जगह पे लाइक बिल्कुल भी बारिश नहीं हो रहा था। तो फाइनली एक घंटा बाद एयरपोर्ट पहुंच गए एंड अभी नीचे पे भी पार्किंग है वो आज बंद है। तो देखते हैं, क्योंकि हम लोग को कुछ भी नहीं पता कहाँ पे जाएंगे, किसको पूछेंगे। वो लोग ने बोला था, जैसे मैं बोली थी, मेल करेंगे, दे डिन मेल अस ऑल्सो। एंड द प्रॉब्लम इज JFK एयरपोर्ट इतना बड़ा है ना, तो आज मिलेगा तो मिलेगा, नहीं तो दैट्स गॉन। और कौन इतना झमेला करेगा यार, हु हैज टाइम कि डेली आप आएंगे एंड ऑल दैट। लाइफ में फर्स्ट टाइम मैं ऐसे काम के लिए लाइक एयरपोर्ट आई हूँ, क्योंकि आज से पहले ना हम लोगों का लगेज कभी भी नहीं खोया। सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू लॉस्ट एंड फाउंड, क्योंकि वो ही सामने था। तो अभी हम लोग इतिहास के टिकट काउंटर में आए थे एंड वो लोग अभी बैगेज रूम में लेके जा रहे हैं देखने के लिए ये बैग है कि नहीं। तो विश अस लक कि बैग मिल जाए। पर हाँ, वो लोग का यू नो आफ्टर सर्विस टू बी वेरी ऑनेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। तो अभी यहाँ पे रुकने को बोला है, वो यू कैन गो इनसाइड ना अगर टिकट ना हो तो अगर होगा तो वो लोग ला के देंगे, देखते हैं। अभी प्रैक्टिकली होना तो चाहिए। तो फाइनली गाइज, आफ्टर बहुत सारा झमेला वी गॉट आवर सूटकेस जो हम लोग फेंक के आ गए थे। पहले ना वो लोग ने दो रूम देखा, देन ही केम एंड ही वाज लाइक कि नहीं आपका लगेज तो नहीं है। एंड फिर हम लोग बोल रहे ऐसा कैसा होगा, क्योंकि शॉमी को ना जिसने कॉल किया था दे टोल कि आपका लगेज हम लोगों को बेल्ट में मिला है एंड हम लोगों ने रखा है। तो हम लोग बोल रहे नहीं ऐसा तो नहीं होगा। फिर वो बोल रहे थे कि आप लोग ठीक है फिर बाद में और एक दिन आना, और एक लगेज रूम है वो काफ़ी दूर है। फिर हम लोग बोलने लगे ऐसा कैसा होगा भाई, कौन डेली डेली आएगा, एवरीवन हैज वर्क राइट, ये तो पॉसिबल नहीं है सी। तो जो भी हो, देन ही वेंट एंड फिर उसको तुरंत ही मिल गया। अभी घर में जाके देखना इसमें क्या क्या खजाना है। तो जो भी हो, इतिहास का साथ हम लोगों का एक्सपीरियंस इतना अच्छा नहीं था। चौमिक बोल रहे फिर सिम्स कभी भी वो ट्रैवल नहीं करेंगे इतिहास एयरलाइंस में। लाइक मेनी ऑफ यू टोल कि आपको एक्चुअली बहुत सारी एयरलाइंस में ना लगेज वो लोग घर में जाके ड्रॉप करके आते हैं। तो 10:30 बजे निकले थे एमसी, इट इज 2:00 एंड चलिए अभी देखते हैं ये सूटकेस में क्या है। एंड यू नो जब वो सेकेंड टाइम आया ना एंड व्हेन ही टोल्ड ना कि सूटकेस नहीं मिला, मुझे लाइक क्या बोलो, इतना फ्रस्ट्रेटेड भी लग रहा था ना, अपने आप ही गुस्सा भी आ रहा था, लेकिन रोना आ गया। तो मैं ना उसको बोल रही थी कि देखो फिर कैसे आए, इट्स नॉट पॉसिबल एंड इट्स अ फैक्ट यार, एक सूटकेस के लिए कितना आप जाएंगे, लाइक फुल हाफ डे तो चला गया। तो जो भी हो, लेट्स ओपन दिस सूटकेस। पर यू नो शॉल नहीं है, वो भेज देगा। बट इसमें राय का शू एंड ऑल है एंड लेट मी शेयर ऑल्सो विथ ऑल ऑफ यू कि इंडिया से राय ने क्या शू खरीदा है। तो सूटकेस ओपन करने के बाद मैं हैरान हो गई, मैं देख रही हूँ कि इतना सारा कपड़ा है। एंड पहले रायन शॉमिक ने मुझे बोला था कि सिर्फ 2 चप्पल है, जस्ट इमेजिन अगर सूटकेस नहीं मिलता। जो भी हो यार, लाइक ऐसा फ्री में तो कपड़ा नहीं खरीदा ना। एंड राय के 2 नए स्लीपर्स भी थे, तो चलिए सब कुछ मिल गया। तो ये राय का सैंडल है जो उसने तो मोची से ही खरीदा था, पर राय बोल रही है इट्स रियली अनकंफर्टेबल टू वॉक। यार खोया हुआ सामान मिल जाए उसका खुशी कुछ अलग है, यू नो जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था। जैसे कि मैं बोल रही थी ना, आई थॉट कि चलो यार नहीं मिलेगा, तो फिर मैंने डिसाइड किया कि नहीं चलो आज मुझे डाइनिंग टेबल साफ करना ही है। यू नो इतना दिन से कुछ ना कुछ हो ही रहा था एंड हम लोगों के घर में ना
कुछ भी होता है ना, कोई सब कुछ ना सब लोग ये डाइनिंग टेबल पे ही रखते हैं। बहुत जन आप लोग बोलते हैं मुझे कि पायल तुम लोगों ने चार चेयर का लाइक फोर चेयर का डाइनिंग टेबल क्यों नहीं खरीदा। सी वी हैड स्पेस ऑल्सो दैट टाइम एंड एक्चुअली दिस इज ना एट चेयर का डाइनिंग टेबल है, हम लोगों ने दो चेयर नहीं लिया था क्योंकि ये डाइनिंग टेबल में स्पेशली जब गेस्ट आते हो वंस इन अ व्हाइल ही आए तब ना खाने में काफ़ी मज़ा आता है। लाइक अब बैठ के लंबे समय तक गप्पे मार के खा सकते हैं। तो चलो हो गया, ऊपर में वास है लाइक मैं वो बाद में लाऊंगी, मुझे लगा चलो मैं सिर्फ कैंडल ही रख देती हूँ। तो फाइनली इतने दिनों के बाद मैंने अपना डाइनिंग टेबल साफ किया एंड इथिया से वो लोग ने ये बैग दिया था ना तो यू नो उसमें हैंड क्रीम एंड ऑल था, देन दे हैड ब्रश एंड ऑल। फिर मैंने ना ऐसा इसको देखा ओके एंड तो मुझे लगा ये परफ्यूम होगा, वो परफ्यूम के सैंपल्स दे देना। तो you know, I think so when we were landing to India, then मैंने थोड़ा स्प्रे किया एंड देन आई सॉ इट वॉज कोलोन। ये कभी कभी ऐसा गलती हो जाता है, मेरे साथ बहुत होता है। तो अभी 4 बजा है एंड अभी मैं और राय जा रहे हैं डॉलर ट्री बिकॉज ये सोमवार को राय का बर्थडे है एंड राय 15 साल की हो जाएगी। एंड कम हम लोग के घर में ना अभी बहुत सारा हनी भी है। कम फास्ट कम का ये फ्लावर पे क्यों आएगा जब असली फ्लावर ही है। तो वही डॉलर ट्री से ना थोड़ा वो पेपर बैग खरीदना है। तो फाइनली पहुंच गए डॉलर वर्ल्ड। मैं यहाँ पे बहुत दिनों के बाद आ रही हूँ, मे बी आफ्टर 3 इयर्स तो फॉर श्योर। सो ये डॉलर वर्ल्ड पता नहीं नाम क्यों रखा, हाँ देखा जाए तो US का करेंसी डॉलर है मे बी इसीलिए, बिकॉज एवरीथिंग इज 299, $1 का तो कुछ ही नहीं था। एंड जो बिल आया था ना दैट वॉज शॉकिंग। वेट मैं टिश्यू पेपर खरीद लेती हूँ देन आई विल टेल यू ऑल द बिल। तो राय उदास हो गई डॉलर ट्री में जाके एंड राय का रिमार्क है कि डॉलर ट्री सो फालतू, नहीं इसीलिए ना मैं ये डॉलर ट्री कभी भी नहीं आती हूँ। दिस मुझे याद है मैं एक बार आई थी तब मैंने देखा था यार इट इज एक्सपेंसिव, ऐसे $1 में कुछ भी नहीं है। मोस्टली आई थिंक सो यहाँ पे इट स्टार्ट्स फ्रॉम $2.99 यानी $3। तो मौसम देख के लग रहा है कि बारिश होने वाला है तो तुरंत अभी रेक्स को पार्क में लेके जाएंगे। पार्क में लेके जाते हैं ना तो वो जल्दी कर देता है एंड अगर थंडर स्टॉर्म हुआ तो वो कुछ भी नहीं करेगा। लेट्स होप कि बादल ना गरजे। तो मैंने राय को बोला जाओ जल्दी जल्दी रेक्स को लेके आओ तो फिर वो काम करके आते हैं। तो निकले ही नहीं, इतना ज्यादा बारिश हो रहा है, रेक्स भी यहाँ पे व्हाट हैपेंड लाइक इट्स रेनिंग बाबा। तो बारिश भी खत्म हो गया एंड सी धूप भी निकल गया, अभी तो सनसेट होने वाला टाइम है तो इसीलिए ना मैं जल्दी से रेक्स को लेके पार्क में आ गई। तो सी नाउ द टाइम इज 7 बजने वाला है। तो बस मेरा काम खत्म रेक्स का हो गया, इसलिए पार्क में लाती हूँ ना तो तुरंत कर देता है। तो चलो रेक्स घर चले जाते हैं एंड अभी मेरा सबसे बड़ा टेंशन है कि खाना क्या बनाऊँ रात में, व्हाट टू मेक डिनर। वही सोच रही हूँ लाइक सर खुजा रही हूँ क्या बनाऊँ। तो सिद के लिए आई गॉट दिस पिलो क्योंकि 1 साल का हो गया है ना, ये पिलो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट लग रहा है। एक्चुअली सिद ना इंडिया में काफ़ी अच्छा सोता था एंड सिद को ना ये स्पॉट वाला बुक्स बहुत पसंद है तो आई गॉट अराउंड 5 क्योंकि सोने से पहले नहीं तो कभी कभी यू नो जब बैठा रहता है मैं उसको थोड़ा दिखाती हूँ एंड अभी लाइक दे कैन पॉइंट ना तो वो ऐसा पॉइंट कर करके दिखाता है। सिद देख नहीं पा रहे, मम्मी इतना काम कर रही हूँ मैं सब करके अच्छा सिद सब करके देगा ये क्यों मम्मी मैं कट करूंगा। अभी सिद को लाइक जो आपके हाथ में हो ना सी ही वांट्स एवरीथिंग। तो ये 4 ब्रोकली सिद के लिए स्टीम कर रही हूँ एंड उसके बाद उसी पानी में मैंने दे दिया कैबेज। डिनर में है कैबेज का सब्जी एंड बहुत ही सिंपल है। फर्स्ट मैंने 5 फूरन दिया था, उसके बाद होल गरम मसाला, उसके बाद मैं इसमें थोड़ा अदरक दूंगी, थोड़ा मैंने हींग दिया था आज,
फिर टमाटर एंड आलू भी दे दिया था जब मैं कैबेज को बॉयल कर रही थी। फिर हल्दी पाउडर, थोड़ा जीरा पाउडर, अभी अच्छी तरीके से भून लेंगे एंड गरम मसाला दे देंगे। लाइक कैबेज में हम लोग गरम मसाला देते ही है, इसमें कुछ प्याज एंड ऑल नहीं डलता है। मैंने दो टमाटर दिया था एंड बहुत जन आप लोग पूछ रहे थे पायल यहाँ पे टमाटर का प्राइस कितना है, तो मुझे लगता है यार इंडिया से तो ज़्यादा ही होगा। तो चलिए अभी डाइनिंग टेबल पोछ देती हूँ एंड फिर मेरा काम होगा सिद को खिलाना। गुड बॉय सिद, इट वर्क्स। तो राय इज सच ए हेल्पर, मैं आप सबको बोलती हूँ ना कि सिद जब बड़ा होगा ना, मुझे लगता है राय सबसे ज्यादा इसको पैम्पर करेगी। तो अभी राय यहाँ पे थोड़ा फुल्का बना रही है एंड तब तक मैं थोड़ा अपना बर्तन वर्तन देने का काम कर लेती हूँ एंड उसके साथ ही मैं और राय डिनर भी कर लेंगे। तो ये रहा हम लोगों का डिनर एंड एक्चुअली कैबेज की सब्जी काफ़ी अच्छा हुआ था। तो चलिए अभी जल्दी जल्दी किचन साफ कर लेते हैं, हम लोगों का खाना ख़त्म। तो अभी मेरा सिद को सुलाने का टाइम भी हो गया। यार ये रूटीन ना कभी भी ख़त्म नहीं होता है। हाय फ्रेंड्स, तो आज नेक्स्ट डे हो गया है एंड हाँ, दिस इज द $3 का ये लिपस्टिक है, क्या एले कलर का, तो मैं लगा के देखती हूँ। एंड अभी टाइम हुआ है 11 बजने वाला। यार सुबह में उठी ना, आई गॉट ड्रेस्ड अप क्योंकि मुझे ग्रॉसरी स्टोर जाना था, फिर और हुआ ही नहीं। ओके, फिर लगा सीध के लिए ब्रेकफास्ट बनाती हूँ, फिर लगा चलो शॉमी को ब्रेकफास्ट दे देती हूँ, फिर लगा मैं खा लेती हूँ, फिर लगा चलो चाय पी लेती हूँ, ये सब कर करके हुआ ही नहीं। तो चलिए मैं लिपस्टिक लगा के देखती हूँ। Actually, see the color is nice, right? Color बहुत ही sweet है। तो मैं आ चुकी हूँ ग्रॉसरी स्टोर एंड सी द कलर इज सो गुड एंड एक्चुअली अच्छा भी है, यू नो कुछ बैड स्मेल एंड ऑल भी नहीं है। क्योंकि कल राय का बर्थडे है एंड लास्ट ईयर जब राय का बर्थडे था, आई थिंक सो इट वॉज ओनली 21 डेज कि मैंने डिलीवर किया था एंड कोई सीन ही नहीं था यू नो कि मैं कुछ बनाऊँ एंड ऑल। फिर भी यू नो आई नो मेरा कंडीशन तब कैसा था, मैंने इतना ज़्यादा नहीं बोला है वो। अगर आप ना इफ़ यू सी ऑलवेज यू से दर्द हो रहा है तो ना और ज़्यादा होता है। तो जो भी हो, लास्ट ईयर का यू नो एक साल थोड़ा तो हौच पौच रहता है ये, तो इस साल मुझे अच्छी तरीके से राय के लिए बहुत कुछ बनाना है, उसको जो जो पसंद है। सो फाइनली शॉपिंग ख़त्म, जो जो चाहिए था आई गॉट एवरीथिंग, यू नो सब कुछ मुझे मिल गया क्योंकि कभी कभी नहीं मिलता है। तो चलिए इसके साथ ये व्लॉग भी एंड कर देते हैं। सो 12 बजने वाला है एंड आज एक्चुअली हम लोगों का थोड़ा खाना है जो फ्राइडे बनाया था, तो इतना कुछ टेंशन नहीं है। एंड ये सूटकेस को भी ऊपर रख देंगे तो ख़त्म। हम पता नहीं फिर कब सूटकेस निकलेगा, फिलहाल तो एक सूटकेस तना लेके जा लग गई है बिकॉज शी इज़ गोइंग ऑन वेकेशन। एंड यार डोंट यू फील इतना सब इतना ही सारा सामान का 63 इज टू मच। ठीक, क्या खरीदा, ऐसा ऐसा बैग खरीदा सिर्फ, वो भी 5 or 6 खरीदा मुझे लगता है। फिर सी पेपर कप्स खरीदा, इसीलिए आई नेवर गो टू ऑल दिस डॉलर ट्री एंड ऑल बिकॉज देखा जाए तो ना सेम ही होता है। तो चलिए उसके साथ ये व्लॉग एंड करते हैं एंड नेक्स्ट जो व्लॉग आएगा वो राय के बर्थडे का आएगा। जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं प्लीज़ राय को विश कीजिएगा क्योंकि तब तक तो राय का बर्थडे हो भी चुका होगा। तो चलिए बाय बाय।